हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देती हूँ, आज मेरे घर के आसपास बहुत जोर शराबा है, इसलिए थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम आ सकता है, यहाँ पे थोड़ा मैनेज कर लेना। एपिसोड स्टार्ट करो इससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है सैन नुआन को कहीं पे ले जा रहा होता है। नुआन पूछती है, अंकल आप मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो? तभी सैन बोलता है कि एक रेस्टोरेंट है, आपके लिए ना बहुत सारी ट्रीट है। और उसके बाद वहां पर नुआन के साथ सैन का काफी अच्छा बॉन्डिंग बन रहा होता है। नुआन पूछती है कि अंकल आपने मुझे इतना अच्छा ट्रीट क्यों दिया, आप क्या चाहते हो मुझे बताओ। तभी जो सैन था वो बोलता है कि मैंने सुना है आपकी मम्मा का कल बर्थडे है। तभी नुआन बोलते कि वो तो मुझे पता है, आपको कैसे पता चला? एक बात बताओ, आप मुझे इम्प्रेस करके मम्मा को इम्प्रेस करने की ट्राई कर रहे हो। तभी सैन बोलता है कि ऐसी तो बात नहीं है, पर मुझे कुछ चाहिए, ऐसा वो बोल रहा था। और नुआन बोलती है कि मैंने सुना है मम्मा पहले डिवोर्स ले चुकी है, पता नहीं किसने मेरे मम्मा को हर्ट किया था, और अभी मेरे पास नए पापा है अंकल जी, ऐसा बोल रही थी। इसने के बाद जो सेन था उससे रहा नहीं जाता और वो बता देता है कि असल में उसकी मम्मा ने उसी से डिवोर्स दिया था। ये सुनने के बाद नुआन बोलती है कि आपने मुझे झूठ बोला ना, आप बैड अंकल हो। तभी जो सेन था वो बोलता है ऐसी बात नहीं है बेटा, मैंने आपको आपकी मम्मा का डिवोर्स नहीं दिया था, ट्रस्ट मी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसा वो बोला था। और वो बोलता है कि मैंने आपकी मम्मा को बहुत हर्ट किया है, प्लीज आपके मम्मा से मुझे सॉरी मांगना है, तो मेरी हेल्प करो, बोल के उसे ऐसे मना रहा था। नुआन पहले तो मना करती है लेकिन बाद में बोलती है ठीक है। जब सेन उसे बोलता है कि मैं आपको ढेर सारी ट्रीट दूंगा और आपकी मम्मा को कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, आपको और आपकी मम्मा को प्रोटेक्ट करूंगा, सुनने के बाद आप छोटी सी बच्ची की मन में लालच आ जाता है। सो हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में, जो नुआन थी वो घर के लिए निकल जाती है और शियान और उसके सिस्टम बहुत परेशान थे क्योंकि आज फिर से नुआन पूरे दिन गायब हो गई। लेकिन लकीली अभी नुआन घर वापस आ चुकी थी और वो बोलती है कि अंकल शियान के साथ में बाहर गई थी आपकी मदद करने के लिए। सुनने के बाद शियान बोलती है कि आप कहाँ गए थे बेटा? तभी वहां पर आ जाता है शियान और वो बोलता है कि तुम्हारा बर्थडे है ना कल, तो इसीलिए हम लोग कुछ सरप्राइज प्लान करने गए थे, ऐसा वो बोल रहा था। और जो शियान थी वो बोलती कि मेरे बेटी का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। तभी जो शियान था शियान थी उसे बोलता है शियान कि मैंने तुम्हारे दूसरी बार मदद की, तो एक काम करो तुम मेरे साथ ना बाहर चलो, हम साथ में डिनर करेंगे बाहर और नुआन भी हमें ज्वाइन करेगी, ऐसा वो बोलता है और शियान उसे मना कर नहीं पाती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब वो वाला टाइम जहाँ पर वो लोग बाहर जाने वाले होते हैं। सो नुआन जा रही होती है साथ में, ये लोग काफी ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग बना रहे थे। जो शियान थी वो नुआन और शियान को एक दूसरे के नजदीक होने से रोक नहीं पा रही थी, अब क्या करे कुछ भी बोल लो, ये दोनों थे तो बाप बेटी, तो काफी अच्छा बॉन्डिंग बनी रहा था। नुआन काफी खुश थी। होटल में पहुंचने के बाद हमें दिखा जाता है वहां पर तो ऑलरेडी जियांग थी। जियांग बोलती कि ओ तुम्हें पता था मैं यहाँ पर हूँ, आज मेरा बर्थडे तो तुम मुझे सरप्राइज देने यहाँ पर आए हो ना, बोल के उसे बात अच्छे से बात करने लग जाती है। ये सुनने के बाद जियांग तो शौक में आ जाती है। जियांग बोलती है कि बेबी तुम्हें पता है ना आज मेरा बर्थडे है, तुम मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी और वो चिपक रही थी। तभी जो सेन था वो बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी जियांग बोलते है कि एक तो आज मेरा बर्थडे है, मेरे पास दूसरा भी सरप्राइज है तुम्हारे लिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ टू मंथ, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद जो शेन था वो बोलता कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों के बीच तो कभी कुछ ऐसा रिश्ता था नहीं। तभी जो जियांग थी वो बोलती कि क्या बोल रहे हो तुम, ऐसी कोई भी बात नहीं, तुम्हें याद है उस दिन तुम बहुत ड्रंक हो गए थे, उसके बाद हम दोनों के बीच में कुछ हुआ था, तुम कैसे इग्नोर कर सकती हो, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद जो शेन था वो बोल रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तुम्हें हाथ लगाया भी नहीं। तभी वो बोलती कि मेरे पापा और तुम्हारे पापा हमारी शादी की बात करने के लिए ना हम आगे जा चुके थे, अब तुम ना मना कर नहीं सकते, ऐसा वो बोल रहे थे। और उसके बाद वो शियान को देखते हुए बोलते है कि अब तुम्हें ना मुझे कंग्रेचुलेट करना चाहिए, तुम उसकी एक्स थी और अभी मैं उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर हूँ। तभी शियान बोलती है कि हाँ कंग्रेचुलेशन, और तुम दोनों के लिए मुझे क्या आना है, क्या मुझे घसीट रही हो, मैं उसकी एक्स थी, हम दोनों का रिवोर्स हो चुका है, ऐसा वो बोलती है। सुनने के बाद शियान बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, ये मेरी बस फियांसी है, वो भी मेरे पापा ने जबरदस्ती फिक्स की है, अब भी तो मेरी वाइफ हो, प्लीज ऐसी बात मत करो, बोल के वो शियान को समझाने की ट्राई कर रहा था। शियान बोलती है कि तुम दोनों खुद निपटो, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और मुझे परेशान करना बंद करो, बोल के वो
वहां से नुआन को लेकर चली जाती है। नुआन को काफी बुरा लग रहा था, बेचारी आज क्या क्या सोच के आई थी। ऐसे भी उसके मम्मा का बर्थडे तो स्पॉइल ही हो गया। हमें दिखा जाता है जोशेन था, वो जियांग की तरफ देखते बोलता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है ये तुम्हारा ट्रिक है मुझे फंसाने के लिए, मुझे और शियान को अलग करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें ना जल्दी एक्सपोज करूंगा, मैं खुद डॉक्टर को लेके आऊंगा तुम्हारा चेकअप करवाने के लिए, ताकि मैं जान सकूं तुम सच्ची में प्रेग्नेंट हो या फिर ऐसे ही फेंक रही हो। ऐसा वो बोल के गुस्से में वहां से चला जाता है। जियांग कुछ भी सोच नहीं पाती। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग वाला सीन, जहाँ पर जो शियान थी वो सो रही होती है, तब यहाँ पर शियान आता है। शियान को देखने के बाद वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तभी शियान बोलता है कि नॉर्मल जो लोग जो करते हैं वही कर रहा हूँ, और मैं खिड़की से नहीं आया हूँ, मैं दरबार से आया हूँ, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तभी शियान बोलते कि तुम ऐसे चले जाओ, हम दोनों इतने भी नजदीक गए कि तुम मेरे कमरे में आ सको। तभी जो शियान था वो उसे बोलता कि ऐसी बात नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बोल के उसे अपने करीब खींचता है। तभी जो शियान थी वो बोल रही थी कि तुम लाइन क्रॉस मत करो। तभी जो शियान था वो बोलता कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं डॉक्टर को लेके आ रहा हूँ जियांग की प्रेगनेंसी के सब बताने के लिए, और ट्रस्ट में उसका मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा वो बोलता है। तभी शियान बोल रही थी कि ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तभी जो शियान था वो बोलता है कि तुम्हें जानना जरूरी है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। और जो शियान थी वो बोल रही थी कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ाना अभी तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। लेकिन शियान बोलता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, और उसकी फॉरहेड पे किस करता है, और वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें देखने के बाद अपने आपको रोक नहीं पाया। और शियान को शियान बोलती है जल्द से जल्द यहाँ से दफा हो जाओ। शियान बोलता है बिल्कुल भी नहीं, तुम जल्द से रेडी हो जाओ, हमें आज कुछ काम करना है, और वो उसे बाहर वेट कर रहा था। दोनों के साथ में देखने के बाद जो शियान की असिस्टेंट थी वो बोल रही थी कि आप दोनों साथ में क्या कर रहे हो, ये आपको परेशान करने के लिए आया हुआ है ना, मैं अभी कभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। लेकिन जो शियान था वो तो पूरी की पूरी आज हमारी बंदी के साथ फ्लर्ट करने के मूड में था, तो वो बोला था कि बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी असिस्टेंट है, तो हम लोग तो काम की बात कर रहे थे। और शियान भी अभी बोल रहे थे कि तुम गलत समझ रहे हो, ये अभी आया है मेरे रूम में। लेकिन शियान की असिस्टेंट को अच्छी तरह से पता है ये उसका एक्स हस्बैंड है, तो और मतलब वो उसे हर्ट कर सकता है, और वो शियान के लिए काफी परेशान होती थी, इसलिए वो बोलती मैं अभी की अभी पुलिस को बुला रही हूँ। और जो शियान थी वो जैसे तैसे सिचुएशन को संभाल लेती है। जो शियान था वो बोलता कि वाइफी मैं डाइनिंग टेबल पे जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाना चीजें रखने के लिए आ जाना, बोल के वो उसके गाल पे किस करके चला जाता है। जो शियान की असिस्टेंट थी वो बोलती कि आपको पता है ना ये आपको हर्ट कर चुका है, आप बदला बोल के ये सब कैसे कर सकती हो। तभी जो शियान थी वो बोलती कि ऐसी बात नहीं है, मैं क्या करूं, और हम दोनों का अभी भी प्रोफेशनली रिश्ता है, ट्रस्ट मी, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं कि इसकी बात पे आ जाऊंगी, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद हमें लिखा जाता है जब शियान को जो शियान था अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा था डाइनिंग टेबल को, तभी पर लिया जाता है। ली बोलता है कि क्या बात है मिस्टर सेन, आपके घर पे खाना खाने की चीजें कम पड़ गई क्या जो आप मेरे घर पे आके। और तभी जो शियान था वो बोलता कि ऐसी बात नहीं, मैं तो अपनी वाइफ से मिलने आया था। ये सुनने के बाद जो ली था वो बोलता है कि आपकी वाइफ है, ये क्या बोल रही है, मेरी वाइफ है, हम दोनों की शादी हो गई है। तभी जो सेन था वो बोलता है कि पर आप भूल गए ना, हम दोनों का कभी जो हुआ ही नहीं, तो आपकी शादी इनवैलिड है, मेरी और इसकी शादी अभी भी वैलिड है, ऐसा वो बोल रहा था। ये सब सुनने के बाद शेन परेशान हो जाती है और बोलती है कि मेरी एक बात मानोगे। शेन बोलता है हाँ। तभी वो बोलती है कि दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा सर खाओ तुम, और उसे वहां से भगा देती है। हमें दिखाया जाता है जो ली था वो शियान से बोल रहा था कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो, तुम भूल गई इसने तुम्हें हर्ट किया हुआ है, और फिर से इसकी बात पे आ गई। तभी जो हमारी शियान थी वो बोलती कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हूँ, ये मुझे परेशान कर रहा है और ये मौके का फायदा उठा रहा है, ऐसा वो बोलती है। हमें दिखाया जाता है बाहर ली और शियान आते है, और वो बोलते है कि हमारी कंपनी जो तुम्हारी कंपनी के साथ काम कर रही थी, और मेरा जो असिस्टेंट बनने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ था वो खत्म हो गया, तो अब से हम लोग प्रोफेशनल रहेंगे, और तुम मेरे घर पे इस टाइम पे आ नहीं सकते, प्लीज यहाँ से दफा आ जाओ, ऐसा वो बोल देती है। वो दोनों जाने वाले होते हैं, तभी ली के सामने जो शियान था उस शियान का हाथ पकड़ के बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम अभी भी मेरी वाइफ हो। तभी शियान बोलते कि बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों के पास था प्रेजेंट नहीं, और वहां से जाने वाली थी। तभी एक गाड़ी आके शियान को ऐसे ठोकने वाली थी, दोनों देख लेते हैं ली और शियान, और जो शियान था और शियान को बचाते टाइम वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। ये देखने के बाद शियान का तो दिमाग ही खराब हो गया, और उसे बोल रही थी कि तुमने सब क्यों किया। और उसके बाद जो ली था वो परेशान था, जो हमारा शियान था वो बोला था कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत गुस्सा दिलाया, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, आई एम सॉरी, ऐसा वो बोला था।
और जो स्नेहा थी वो बोली थी कि प्लीज कुछ भी बातें मत करो, अभी डॉक्टर आ रहे हैं। और गाइस यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म हो गया, इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द आऊंगी। प्लीज आप लोग ढेर सारा प्यार दिखाना, कमेंट सेक्शन में ढेर सारा कमेंट देना नेक्स्ट पार्ट लिख के, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।